तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं मनकु द्वीप श्री हरिहर क्षेत्र केदार समिति के द्वारा यह बनाया गया है। ये दर्शनीय स्थल मनकु द्वीप एक प्राचीन धरोहर के रूप में है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा इसे संचालित किया जाता है। यह आसपास का नज़ारा है और आज बहुत ही अच्छा सुहाना मौसम है। रिमझिम बारिश गिर रही है। हालांकि हम लोग शाम के वक्त आए हैं, इसलिए आसपास की दुकानें वगैरह और कुछ भीड़ भाड़ नहीं है। प्रायः दिन की समय में आप लोग आएंगे तो यहाँ भीड़ भाड़ और लोगों का जमावड़ा बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। सामने मूर्ति बनी हुई है, यही है मांडक्य ऋषि। यही है मांडक्य ऋषि, इसके नाम पे ये तपोभूमि मांडक्य द्वीप करके नाम रखा गया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मांडुकोपनिषद इस ग्रंथ की रचना इन्हीं ऋषियों ने की थी और सत्यमेव जयते जो कि इनके ग्रंथ से छठे मंत्र को लेकर हमारे संविधान में भी लागू किया गया है इस चीज़ को। जैसा कि आप लोग आगे देख सकते हैं, सामने प्राचीन अष्टभुजा श्री गणेश जी का मंदिर है जो कि बहुत ही पुराना प्राचीन मंदिर है, जो कि 10वीं-11वीं शताब्दी के आसपास का है, लेकिन इसे पुनर्निर्माण किया गया है सन 2021 में यहाँ की जो सेवा समिति है उनके द्वारा। और ये जो सामने का अवशेष है पुराना पिलर दरवाजे पे, उसी के ऊपर में निर्माण किया गया, ये हैं अष्टभुजाएं श्री गणेश जी। ये है मंदिर के बाहर का नज़ारा और वो जो टिन शेड लगा हुआ है उसी के अंदर में जितनी भी खुदाई करके जो पत्थर अवशेष पाए गए थे उससे मंदिरों का निर्माण किया गया है। ये है श्री गणेश्वर महादेव मंदिर, अष्टभुजा गणेश मंदिर के सामने। आप देख सकते हैं कि ठीक अष्टभुजा गणेश मंदिर के स्थित है श्री जलेश्वर महादेव मंदिर, इसके अंदर का भी सीन आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। मुझे जाना है। ये है मंदिर के अंदर का सीन और श्री महादेव को जलेश्वर महादेव भी कहा जाता है। आइए आपको और भी जानकारी आगे देता हूँ जो कि मंदिर के प्रांगण के बाहर दीवार में लिखी हुई है, वहाँ से आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो ये दीवार के सामने का श्री जलेश्वर महादेव मंदिर का जो डिटेल है पूरा लिखा हुआ है, अष्टभुजी नित्य गणेश मंदिर के ठीक सामने श्री जलेश्वर महादेव नामक शिव मंदिर है। इसके गर्भगृह की स्थापना योनिपीठ एवं शिव लिंग मूलत प्राचीन है। वर्तमान में संत श्री रामूराव प्रसाद जी के प्रेरणा से योनिपीठ को पित्तल से मढ़वाकर सुसज्जित करने के कारण नवीन प्राप्त होता है। और ये आप देख ही सकते हैं कि कितना प्यारा प्रांगण है। ये सब हमारे साथीगण हैं। ओजेश भाई थोड़ा हाथ हिला दीजिए, रवि भाई, खोजू भाई, और कितना मदमस्त हो के हमारी गौ माता भी अंदर पानी से बचने के कारण जगह दी हुई हैं। आगे एक और आश्रम है जो आप लोगों को मैं सामने से जाकर दिखाता हूँ। चलो, ये देख सकते हैं आप, पूरा मदमस्त करने वाला मौसम
पानी गिर रहा है और पूरी प्रकृति में इस तरीके का सौंदर्य बहुत ही उत्तम हो। तो दोस्तों, मैं आपको मिलवाने वाला हूँ यहाँ के मंत राम रूप दास जी से, जो इस जगह के बारे में आपको कुछ विश्लेषण में बताएंगे। महाराज, कुछ इस जगह की विशेषता के बारे में बताइएगा आप। ये स्थान जो है मुस्कुदीप नाम पड़ा है था कि हम मांडुक ऋषि की तपस्या में, मांडुक की द्वीप ऐसा इसका नाम था, उनके नाम से मांडुक का अपहरण होकर के मस्कु हो मस्कुदीप ऐसा। यहाँ पर मांडुक ऋषि ने तपस्या की थी और उन्होंने एक उपनिषद लिखा है मांडुकोपनिषद, उसके रचयिता इसकी रचना भी उन्होंने शायद यही की है। मांडुकोपनिषद का ही एक मंत्र है उदाहरण का, मांडुकोपनिषद का ही एक मंत्र है सत्यमेव जयते, जो हमारे भारत का जो सिंबल है चार सिर वाला अशोक स्तंभ उसके लिखा रहता है। तो भारत की पहचान के साथ जुड़ा हुआ है सत्यमेव जयते, और सत्यमेव जयते इस भूमि पर उद्घाटित हुआ, एक स्थान का मंत्र। यहाँ पर मंदिरों की श्रृंखला आपने देखी होगी, 18 मंदिर है, उन 18 मंदिरों में 12 मंदिर जो है स्मार्ट लिंग है। स्मार्ट लिंग जो है पांच देवता जो हम लोग सनातन में किसी भी अनुष्ठान के पहले पांच देवता की पूजा करते हैं, ब्रह्मा शिव विष्णु शक्ति गणेश और सूर्य, उन पांचों का कॉम्पैक्ट रूप से वो स्मार्ट लिंग। स्मार्ट लिंग ऑल ओवर वर्ल्ड इतना पुराना, 1100 साल पुराना, कहीं मिला नहीं है लार्ज क्वान्टिटी में यहाँ मिला, ये यहाँ की। तो दोस्तों, जिस प्रकार महाराज ने आप सभी को बताया, इस जगह को डेवलप करने के लिए शासन को और भी बहुत सारे चीज़ों को उपलब्ध कराने के लिए कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि ये जगह और भी ज़्यादा प्रचलित हो सके। हिंदुओं की दृष्टि से इस जगह की बहुत ज़्यादा मान्यता है। कृपया मैं आपसे जो भी वीडियो देख रहा हूँ उन सभी से निवेदन करूँगा कि आप एक बार यहाँ आके ज़रूर देखिए, मन में बहुत ही ज़्यादा शांति प्राप्त होगी। और आप आएंगे तो महाराज जी से ज़रूर मिलिएगा, जो कि इस जगह के बारे में विश्लेषण करके आपको पूरी तरीके से बताएंगे। तो जैसा कि आपने देखा, ये था रामाश्रय आश्रम और सामने और भी बहुत सारे विभिन्न प्रकार के मंदिर हैं। कृपया प्लास्टिक का उपयोग ना करें, स्वच्छता का ध्यान रखिए। आप भी कहीं पे भी आते हैं, स्वच्छता का ध्यान बिल्कुल रखिएगा। ये सब जो कि यहाँ पे उनके बारे में लिखा गया है, वृंदाबाई जी का जन्म मनकुदीप के समीप ही कोटनी ग्राम में सन 1870 ईस्वी में हुआ था। बाकी डिटेल नीचे लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आइए आपको आगे और दिखाते हैं यहाँ का जो प्रसिद्ध जगह है। यही है यहाँ का पूरा जो शिलालेख, जो खुदाई के दौरान 1985 के आसपास यहाँ खुदाई हुआ था, उस दौरान जितने भी शिलालेख जमीन के अंदर अवशेष वगैरह मिले थे, उन्हीं से निर्माण किया गया है इन मंदिरों का। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन नहीं है, इनके जो पत्थर हैं, जो शिलालेख हैं, वो सब प्राचीन हैं, जिनको एक व्यवस्थित रूप से रख के मंदिर का निर्माण किया गया है। इसके अलावा अभी तो अंदर जाने का रास्ता बंद है, नहीं तो आप लोगों को पास से दिखाते। इसके अलावा भी मनकुदीप के जगह में और भी बहुत सारे स्पॉट हैं, जो चलते हैं आपको और आगे दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये था पूरा मंदिर प्रांगण मनकुदीप का, और आगे भी है जगह कुछ। ये सामने आपको दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं, सामने हैं शिवनाथ नदी। कुछ लोग नौका विहार करके वापस लौट रहे हैं, यहाँ नौका विहार भी किया जाता है। ये है शिवनाथ नदी का नज़ारा। एक मैंने आपको मनकुदीप का नज़ारा दिखाया, वो चारों तरफ नदी से घिरा हुआ है।
ये है नाव जिससे हम नौका विहार कर सकते हैं। दोस्तों यही है यहाँ की श्रीनाथ नदी, देख सकते हैं लोग किस तरीके से मज़े ले रहे हैं नौका विहार के। यहाँ नौका विहार किया जा सकता है। और ये जो मंकी द्वीप है ये अपने दोनों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है, देख सकते हैं नदी। इस समय रिमझिम रिमझिम बरसात भी गिर रही है। आप लोगों के लिए स्पेशल मैं वीडियो बना रहा हूँ बरसात में भीगते हुए, और मौसम का भी आनंद ले रहा हूँ। तो नदी बहुत ज़्यादा उफान पर है, लोग भी मस्ती कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा सुविधा है। आप लोग आइए, नाव वगैरह यहाँ पर मिलती है और ज़्यादा रेट भी नहीं, 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से नौका विहार कराते हैं और बहुत दूर तक आप लोगों को घुमाया जाता है नाव में। तो चलिए चलते हैं आगे, और भी आप लोगों को जो यहाँ पे फेमस प्राचीन दर्शनीय स्थल है और जगह है आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि हम मनकु द्वीप में स्थित हैं और जगह पे आए हुए हैं। यहीं का एक क्षेत्र है जहाँ पे ईसाई धर्म द्वारा मसीही द्वारा विशाल वार्षिक मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में 6 से 12 के आसपास होता है। और ये प्रांगण मैं चाहूँगा दोस्त को अपना दिखाना चाहे, इसी प्रांगण पे मेले का आयोजन होता है जहाँ पे पूरे ईसाई धर्म के लोग एक साथ अपना एकत्रीकरण करते हुए और वार्षिक मेला का आयोजन करते हैं। और आयोजन करने के बाद यहाँ पे प्रार्थना वगैरह करते हैं, प्रभु से जिनकी जो इच्छा होती है वो सब मांगते हैं, और ये उनका मेन स्टेज है। इसी जगह के कारण ही इस जगह को पहचाना जाता है, जाना जाता है कि यहाँ पे वार्षिक मेला लगता है। तो आप लोगों को कुछ नदी का नज़ारा, कुछ यहाँ के प्राकृतिक नज़ारा आपको दिखाऊंगा। सिर्फ इतना ही था यहाँ पे इस जगह पे जो मैंने आपको पूरा दिखा दिया। एक दो फेवरेट स्पॉट है यहाँ पे मेरे जो आप लोगों को दिखाऊंगा, और मैं चाहूँगा कि कैमरे के पीछे आपको जो व्यक्ति से मैं मिलाने जा रहा हूँ वो है मेरे मित्र रवि वर्मा। ये है मेरे भाई रवि वर्मा, जिनका निवास स्थान यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है, सेमराडी करके गांव है, वहाँ पे रहते हैं। तो रवि भाई एक बार सबको प्रणाम जय श्री राम बोल दीजिए। प्रणाम जय श्री राम। और कभी भी आप लोग आइए, डिस्क्रिप्शन में मैं इनका नंबर दे दूँगा, आइए और मिलिए भाई, आपको पूरा जगह घुमाएगा। यहाँ के एक एक जगह से ये अच्छी तरीके से वाकिफ है। दोस्तों मैं आप लोगों को बोला था ना मैं अपना फेवरेट व्यू पॉइंट दिखाऊंगा, यही है मेरा फेवरेट व्यू पॉइंट। जब भी आप मनकु द्वीप आइए तो ये जगह जरूर आइए। मैं अपने दोस्त से चाहूँगा कि चारों ओर का नज़ारा यहाँ पर आप लोगों को दिखा दे। बहुत Oh,